तो आज जो स्थिति परिस्थिति पार्टी की बनी है, आज हमें लग रहा है कि इनका चाचा उस समय सही था, ये उस समय भी गलत थे और आज भी गलत है, इन्होंने सिद्ध कर दिया। लोजपा की तरफ पार्टी की तरफ से करीब 20 लोग इस्तीफा दे दिए, आखिरकार अचानक इस्तीफा क्यों दे दिए, इनसे ही जानने से कोशिश करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्र सिंह है, क्या कहिएगा, अचानक आप लोग पार्टी से इस्तीफा दे दिए? मैडम, जिंदगी में कोई काम होता है तो अचानक होता है जी। आज जब से पार्टी टूटी, हम लोगों ने बड़े आस्था विश्वास के साथ में चिराग पासवान जी के साथ में काम किया और एज ए संगठन मंत्री 5-5 बार बिहार घूमा। लोजपा पहले से बदनाम थी टिकट बिछवा पार्टी के नाम से, जनता कार्यकर्ता यही बात हमसे लगातार कहते रहे, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं को हमने बताया कि नया चिराग है, ये बिहार का उत्थान करने वाला चिराग है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा देने वाला चिराग है, यही आज के डेट में नेता है जिसके वजह से बिहार का कायाकल्प होगा, एक विकसित बिहार बनेगा। और उसी भावना के तहत हम लोगों ने काम किया जिसका नतीजा हुआ कि आज पार्टी फर्श से अर्श पर पहुंच गई। चिराग पासवान का नारा और जिसके वजह से इनको एनडीए में 5 सीट मिला, लेकिन 5 सीट मिलते ये चिराग पासवान ने सबकी आस्था को तोड़ दिया, ये पुराना चिराग पासवान बन गए, पुरानी लोजपा बन गए, कर्जकर्ताओं के साथ में इन्होंने धोखा देने का काम किया, एक भी कर्जकर्ता को इन्होंने टिकट नहीं देने का काम किया। इंटरव्यू में कहते हैं वो कौन खगड़िया वाला राजेश मैं संगठन मंत्री हूँ, दो बार मैं भागलपुर जाने का काम किया, जिला संगठन मंत्री थे, मैंने जब शिकायत लेकर के कहा कि उन्होंने ना जिला में मीटिंग कराई ना कोई संगठन बनाया, जब शिकायत लेकर हम चिराग जी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा यार रविंदर जी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, उसके वहाँ ईडी का छापा पड़ा है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो मतलब क्यों, तो कुछ सोना का उलट पुलट शायद होता था, तो एक गोल्ड स्मगलर है एक हिसाब से, और वो पार्टी से जिला अध्यक्ष के पद से रिजाइन किया हुआ है और कभी भी पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो दिखाई नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने काम टिकट देने का, ये बोलते हैं, सुनिए ये बोलते हैं कि मुझे एक क्या बोलते हैं उसको बनिया वर्ग को टिकट देना था, तो सोनार बनिया वर्ग है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ, और बनिया वर्ग को ही टिकट देना था तो पार्टी में बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे, हमारे किशनगंज के प्रभारी, अररिया के प्रभारी जोगिंदर साहू जी बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने विधानसभा भी लड़ा था और 20,000-22,000 वोट उनको भी मिला था, वैसे व्यक्ति को कोई नहीं दी जो पार्टी के लिए लड़ा, तो इन्होंने तीनों टिकट, एक गद्दार, एक दूसरा जो अशोक चौधरी लगातार इनके विरुद्ध में काम कर रहा था, जदयू के बड़े मंत्री, उनकी बेटी बोलते हैं युवा को मैंने टिकट दिया, आपने उनकी बेटी को कहीं देखा है क्या राजनीति करते हुए किसी मंच पर, हम लोग तो कोई नहीं जानते थे उनकी बेटी को, लेकिन क्या वो महादलित है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये भी एक इन्होंने दलित और महादलित को भी धोखा देने का काम किया। चिराग पासवान और इनका बहनों ही सिर्फ पासवान है बिहार में, और दूसरा कोई पासवान का लोग ही नहीं है, जबकि 6% वोट है उनका, और बहुत सारे पासवान, बहुत सारे रविदास जैसे संजय पासवान, संजय रविदास जैसे व्यक्ति चिराग पासवान के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उनको टिकट नहीं देने का काम किया। आज हम लोगों ने रिजाइन किया है कर्जकर्ताओं की भावनाओं को देखते लिए, और जिम्मेदारी लेता हूं मैं कि मैं जो कर्जकर्ता के पास गया, इनके बारे में नई सोच बताया, आज उस पर सब पर पानी फेर गया, इन्होंने सब चीज़ को भ्रमित कर दिया, हमारी भावनाओं से खेला, कर्जकर्ताओं की भावनाओं से खेला। कहते हैं कि चिराग पासवान की हमारे साथ हमारे उनके चाचा धोखा करते थे, धोखा दे दिए थे। मैडम आज तो लगता है कि चाचा ने कभी धोखा नहीं दिया, क्योंकि अच्छा। उनके चाचा के साथ में मेरे अच्छे रिलेशन थे, तो आज जो स्थिति परिस्थिति पार्टी की बनी है, आज हमें लग रहा है कि इनका चाचा उस समय सही था, ये उस समय भी गलत थे और आज भी गलत है, इन्होंने सिद्ध कर दिया। आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी? अभी तो फिलहाल एक ही रणनीति है, गद्दारों को जिसको हमने बिहार में क्या बोलता फर्श से अर्श तक लेके गया, एक नेता बनाया, उसके विरुद्ध में जनता के पास जाऊं, जनता से अपील करूं कि इन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है, कर्जकर्ताओं को धोखा दिया है, इनको भी सजा मिलनी चाहिए, बाकी जनता के हाथ में, जनता डिसीजन लीजिएगी। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि परिवारवाद
भ्रष्टाचार का जो आप विरोध करते हैं, और वास्तव में अगर आप विरोध करते हैं तो जीजा के सभा में मत जाइए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दीजिए। आ रहे हैं, हमने भी सुना है, तो मैं उनसे अपील ही कर सकता हूँ ना, मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, तुच्छ कार्यकर्ता हूँ, तो हम अपील ही कर सकते हैं ना अपने नेता से कि अगर आप सही में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोधी है तो कृपया चिराग पासवान के जीजा के सभा में जा कर के परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम नहीं करें। इससे बिहार की जनता नहीं, भारतवर्ष की जनता में एक गलत संदेश जाएगा और शायद इंडिया को नुकसान होगा। ये थे रविंद्र सिंह, इनकी बात तो आपने सुना। इन्होंने अपील की है नरेंद्र मोदी से कि प्लीज़ परिवारवाद और भ्रष्टाचार को अगर आप लोग मुक्त कराना चाहते तो फिर कल जो जमुई आप लोग आ रहे हैं वो भी इसलिए कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती उस जगह से, उस क्षेत्र से खड़े हैं, शायद इसीलिए वहाँ पे वो पहुँच रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपील की है कि प्रधानमंत्री आप ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि परिवारवाद को आपने जिस तरह से लालू यादव पर टिक्का टिप्पणी करते हैं कि लालू यादव अपने सिर्फ परिवारों के लिए काम किया है। फिलहाल मेरी खबर में इतना ही, आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।